थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने आप को समर्पित करते हैं और आपकी शरण में आकर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप सर्वोपरि हैं और आप सब कुछ जानते हैं। आपकी महान दया और उस करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें छुटकारे का मार्ग दिया, हमें बचने का मार्ग दिया, ताकि जो कोई चाहे वो आपके पुत्र पर विश्वास करके, उस बलिदान पर विश्वास करके जो आपने अपने पुत्र का दिया है, इस संसार में अनंत मृत्यु से बच सकता है और अनंत जीवन का वारिस बन सकता है। और कलीसिया में आप उसे जोड़ देते हैं, कलीसिया में रखते हैं, रोप देते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से आपके राज्य का वारिस बने और शारीरिक मृत्यु तक वो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिक देह का हिस्सा बना रहे, ताकि वो अनंत जीवन का वारिस बनकर आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु आपके योजनाओं के लिए, जो आपने सब मनुष्यों के लिए, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए बनाई है। आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित किए जाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु ये वचन हमारे जीवन में आत्मा का प्रकाश लाते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसके लिए सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 67 में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ फीट वॉशिंग, पांव धोना। आज मॉन्डी थर्सडे है, मॉन्डी थर्सडे, मॉन्डी इंग्लिश में मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं। ये मॉन्डी थर्सडे का मतलब है वॉशिंग द फीट, एक ऐसा बृहस्पतिवार जिसमें पांव धोए जाते हैं। अगर आप ज्यूइश फीस्ट में जाके देखें तो ज्यूइश फीस्ट में ये दिनों का बड़ा महत्व होता था और हर दिन एक विशेष दिन कहलाता था। और इसीलिए आज का जो थर्सडे है, ये पैशन वीक वाला थर्सडे है, ये मॉन्डी थर्सडे कहलाता है, यानी पांव धोने वाला बृहस्पतिवार। इसको हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:1-17 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:1-17 फसे के पर्व से पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जान कर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु,
क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी, यानी हमारे तुम्हारे बीच कोई शेयरिंग नहीं हो सकती। जी, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। परंतु सबके सब नहीं, वो अपने चेलों में से भी नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उसने जनरल ये बता दिया था, तुम शुद्ध हो लेकिन सबके सब नहीं। जी, वो तो यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले को जानता था। जी, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। जब वो उनके पांव धो चुका, अपने कपड़े फिर पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ। ये वाली बात आपने कभी संसार में नहीं सुनी होगी, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा हो सकता है। ठीक, दास का मतलब होता गुलाम, गुलाम उससे जिसने उसको खरीदा है, अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, और भेजा हुआ कभी अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। जी, तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। बस ये लास्ट लाइन है ना, तुम ये बातें जानते हो, यदि तुम उस पर चलो तो धन्य हो। यहां पे कंक्लूड किया लाके, ये भी जो यीशु मसीह ने यहां पर किया है, लोग इसकी कॉपी जरूर कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं कि लोग आपस में पैर धोना शुरू कर दें, और धोते भी हैं, लेकिन ये एक परंपरा बन सकती है देखकर करने से। लेकिन जिस मकसद से यहां पर यीशु मसीह ने किया है, इसके अंदर छिपा हुआ जो रहस्य है वो क्या है? सबसे पहली बात आप देखिए कि आपको और हमको सीखने को जो मिलती है, मेरे को सबसे पहली चीज यहां पर ये दिखाई दी, इस पूरे इंसिडेंट को जब पढ़ा गया, कि ये पूरा का पूरा एशियन कल्चर, यीशु मसीह किस कल्चर में था? एशियन कल्चर, यानी वो वेस्टर्न कल्चर से नहीं था, वो ईस्टर्न कल्चर से था, है ना? हमारे क्षेत्र का कह लीजिए, हम लोग एशियन लोग हैं, हम लोग यानी एशिया को क्या बोलेंगे हिंदी में? एशिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? हा? नहीं, एशिया का मतलब होता है
ये जितना भी आप रूस वगैरह देख रहे हैं ये सब एशियन, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। आपके तुर्की भी एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, आपका यरूशलेम भी एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, इसराइल पूरा, ये पूरा एशिया है। एशिया यानी इधर वेस्टर्न वर्ल्ड है और ये ईस्टर्न वर्ल्ड है। एशियन कॉन्टिनेंट का मतलब ईस्टर्न वर्ल्ड, और वेस्टर्न वर्ल्ड उधर है, अमेरिका इंग्लैंड ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड है, हम लोग एशियन लोग हैं। और यीशु मसीह कौन से उससे है, कॉन्टिनेंट से, एशियन कॉन्टिनेंट से। और इसलिए क्योंकि यहां पर जितनी चीजें आपको देखने को मिली ये सब केवल एशियन कल्चर में ही पाई जाएंगी। अब आप अपने एशियन कल्चर को देखिए, पांव छूना और पांव धोना ये कहां है, वेस्टर्न कल्चर में तो कहीं है नहीं, वहां तो सब शूज सॉक्स पहनते हैं। आज तो पूरी दुनिया में शूज और सॉक्स पहने जाते हैं, लेकिन इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के समय में एशियन कल्चर के जो लोग थे वो सैंडल्स पहनते थे, खुली चप्पल और सैंडल। ठीक, आप देखिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात बोली थी कि मैं तो उसकी सैंडल उठाने के लायक नहीं हूं, यीशु मसीह एक सैंडल पहनता था, खुली होती थी। और सैंडल में क्या होता है, आप लंबे सफर पे पैदल चल के आइए धूल में, तो सैंडल में पैर क्या होगा। तो ये एक कल्चर था कि जब कोई व्यक्ति, कोई मेहमान आता था किसी के घर में तो सबसे पहले उसके पांव धोए जाते थे, ये उसको आदर दिया जाता था। और उस जमाने में, इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओल्ड टेस्टामेंट में भी आपको ये बहुत ढेर मिलेगा, पैर धोने वाली विधि। पुराने जमाने में जो जो नॉर्मल लोग होते थे, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, इनके घर में जब कोई आता था तो घर का मुखिया अपने मेहमानों के पैर धोया करता था, आदर देने के लिए, मेहमान को आदर दिया जाता था। इसके बाद जो उसी समय में जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनके यहाँ जो गुलाम वो खरीद के रखते थे, और वो गुलाम लोग उन मेहमानों के पैर धोते थे जो उनके घर में आते थे, दास होते थे वो। यीशु मसीह ने उस चीज को, उस कल्चर को यहाँ पर कॉपी किया बिल्कुल, कि उस कल्चर में वो था, उस कल्चर को उसने अपने द्वारा पूरा करके दिखाया। यीशु मसीह उस कल्चर को, जिस कल्चर का वो था, उसे कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, एक गुलाम की तरह वो अपने चेलों के पांव धो रहा है। ये गुलाम की तरह चेलों के पांव धोने के पीछे एक पिक्चराइजेशन है, एक पिक्चर बन रही है। अगर आपको परमेश्वर के वचन की पूरी सच्चाई क्लियर है तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये वाला पैराबल एक मिस्ट्री है। हम आपको इसमें से नए नियम के और पुराने नियम के ढेरों दृष्टांत ऐसे दिखा दें जो आज तक आप दिमाग पे चाहे कितना जोर डाल लीजिए, आप उसको कभी भी खोल नहीं पाएंगे, वो बंद है, लेकिन पवित्र आत्मा उसको खोल देता है। ये पवित्र आत्मा के पास, ये वाली ये चाबी पवित्र आत्मा के पास है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा था कि बिना उसके तुम चले मत जाना, क्योंकि एक भी काम तुम समझा नहीं पाओगे। बहुत सी चीजें जो मैंने की हैं तुम्हें करके दिखाई हैं, ताकि जब तुम उन्हें करो तो लोग तुम्हारी कॉपी ना करें बल्कि लोग उसका अर्थ समझें। तो लोगों को सिखाना है, तो सिखाने वाले पार्ट में हमको एक्स्ट्रा चाहिए होता था कि लोगों को हम सिखाएं। इस पूरे दृष्टांत में, इस पूरे काम में जो यहाँ पर यीशु मसीह ने किया है, ये आज हमारे लिए एक दृष्टांत है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, इसमें क्या भेद है। अब देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट एशियन कल्चर का है कि क्या वेस्टर्न कल्चर में अंगोछा चलता है, कहां चलता है अंगोछा, आपको कहां से मिलना शुरू हुआ होएगा, आपको इसराइल से, इसराइल है इधर, क्या कहते हैं वो खाड़ी देश है, और आपके उधर, उधर से आपको अंगोछा मिल जाएगा। अंगोछा एक ऐसी चीज है वो लोग लपेटते थे, उससे सर भी बांध लेते हैं, उससे मुंह भी बांध लेते हैं, क्योंकि वो डेजर्ट था, और जहां पे डेजर्ट होता है वहां पे धूल उड़ती है, तो आप डेजर्ट में बिना मुंह बांधे नहीं चल सकते, वो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, तो मुंह बांधने के लिए वो रखते थे, हमेशा उनके गले में पड़ा रहता है। और हमारे देश में आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ये चीज दिखाई देगी, गले में अंगोछा। यीशु मसीह ने अंगोछे को अपने कमर में बांधा, ऊपर के कपड़े उतार कर, ये दिखा रहा है कि उसने दास का स्वरूप धारण किया, और केवल कल्पना में नहीं धारण किया था, उसने वास्तविक धारण किया था। और धारण करने के बाद वो एक सेवक बन गया, बर्तन में पानी लिया
और अपने चेलों के पांव धो रहा है, और जबकि उसको मालूम है कि इसमें से कौन सा वाला मुझे पकड़वाएगा, लेकिन वो प्लान ऑफ गॉड था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई जरा सी भी एनमिटी दिखाई हो वहां पर दुश्मनी के, अच्छा तू ही है, उसके साथ टेढ़ी बात की हो, इतने सहज रूप से उनको प्रेम किया। ये आदर करने का, प्रेम करने का एक ऐसा तरीका है जो ईस्टर्न कल्चर में आज भी है। ठीक, अब हम इसके डिटेल्स में जाते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड ऑपरेट्स बाय मिस्ट्रीज। ये परमेश्वर का राज्य जो है ये रहस्यों के द्वारा संचालित होता है। अब आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे, देखिए, गॉस्पल इज द मिस्ट्री, क्राइस्ट इज द मिस्ट्री, कलीसिया चर्च इज द मिस्ट्री, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और उसके बाद एक एक चीज सब मिस्ट्रीज मिस्ट्रीज मिस्ट्रीज, रहस्य रहस्य रहस्य। रहस्य का मतलब सिर्फ हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि रहस्य का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन रहस्य का उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन यानी उस पर से पर्दा नहीं उठाया जा सकता। ये परमेश्वर ने ऐसा इसलिए रखा है कि जो पवित्र आत्मा जिनको दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि पवित्र आत्मा के देने वाला वही है, उसके अलावा कोई दे नहीं सकता। द ओनली बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट इज जीसस क्राइस्ट ओनली। यीशु मसीह जब किसी को पवित्र आत्मा दे देगा ना, तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में इन इन रहस्यों से पर्दा उठाने लगेगा, और जिसके हृदय से पर्दा नहीं उठा वो उस व्यक्ति से जिसके जीवन में पर्दा उठ गया है कभी सहमत नहीं हो सकता। इन दोनों के विचार कभी नहीं मेल खाएंगे, एक फिजिकल हो गया एक स्पिरिचुअल हो गया। द किंगडम ऑफ गॉड ऑपरेट्स बाय मिस्ट्रीज, ये रहस्यों के द्वारा ही परमेश्वर का राज्य चलता है। ठीक, ओनली दोज हु अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम देम, और वो जो लोग इन चीजों को समझने लगे हैं, इन रहस्यों को समझने लगे हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं, और जो फिजिकल माइंड लोग हैं वो कभी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरीके से वो उसने अपना बाइफरकेशन कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, स्पिरिचुअल अलग फिजिकल अलग, लेकिन कोई व्यक्ति इसको कभी भी अपने माइंड से इस चीज को नहीं पता लगा सकता है कि कौन स्पिरिचुअल है कौन फिजिकल है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसने कहा तुमको, यहां पे अपने चेलों से कह रहा है यीशु मसीह कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को, देखिए, दृष्टांत जिंदगी भर आपके लिए दृष्टांत रह सकता है, और ये दृष्टांत जो दुनिया के लिए दृष्टांत है आपके लिए रहस्य खुल सकता है। दोनों बातें बोल रहा हूं। ठीक, जिसको ये समझ दे दी गई, जिसको ये गिफ्ट दे दिया, या जिसको पवित्र आत्मा ने खोल दिया, जिसके सामने उसके लिए खुल गया, बाकी लोगों के लिए ये दृष्टांत है। पूरी बाइबल के साथ ये वर्स पूरी बाइबल पर लागू होती है। आप एक भी बात इसमें से स्पिरिचुअल निकाल के दिखा दीजिए जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, और जिसका नया जन्म नहीं प्राप्त किया, पवित्र आत्मा नहीं है, और जिसने स्टडीज नहीं ज्वाइन की, वो कभी नहीं बता पाएगा, इसकी ABCD नहीं समझ पाएगा। ये एक मिस्टीरियस बुक है, इसीलिए लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, रीजन यही है, और इंटरेस्ट तब आएगा जब आपकी समझ में आ जाएगा। जी, इसलिए कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना समझते, ये इंटरेस्ट नहीं लेते इसलिए उनके, और इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते बॉर्न अगेन नहीं हुए और उन्हें होली स्पिरिट नहीं मिला, ऐसे लोग इसकी बातों में एंजॉय नहीं कर सकते। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसको इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए, लूक चैप्टर 8 वर्स, ही सेड टू देम, टू यू इट हैज बीन गिवन टू कम, देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, टू कम प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है क्रम, एक एक क्रमवार तरीके से आप परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रेसिवली, टू नो हाँ, टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड मोर स्ट्रांगली एंड क्लियरली द मिस्ट्रीज
एंड सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड बट फॉर अदर्स दे आर इन पैरेबल्स सो दैट दाउ लुकिंग दे मे नॉट सी एंड हियरिंग दे मे नॉट कॉम्प्रीहेंड। ये एकदम क्लियर है इंग्लिश में कि परमेश्वर का राज्य की बातें हमको स्पष्ट की जा रही है, जिसको स्पष्ट करनी है उन्हें कर रहा है, और जिनको नहीं हो रही है इसका मतलब उन्होंने उस स्टेज में एंट्री नहीं पाई है, इसलिए नहीं हो रही। और हमारे और उनके बीच एक राय कभी नहीं हो सकती आत्मिक बातों को लेकर, और सहमति कभी नहीं बन सकती। ये किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। दिस इज ऑल्सो द प्लान ऑफ गॉड। दीज मिस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड कीज। ये जो रहस्य है परमेश्वर की राज्य के रहस्य, इनको परमेश्वर के राज्य की चाबी कहते हैं, कीज। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 पद हिंदी में, देन इन इंग्लिश। यहां पर यीशु मसीह ने जब ये बात बोली थी कि आई विल बिल्ड माई चर्च, द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल ऑन इट। उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, और मैं तुमको स्वर्ग के राज्य की कुंजी का मतलब चाबियां दूंगा। और लोग, आपने आज तक देखिए लोगों को चाबी किसी को नहीं मिली, लेकिन गुरु सब बन गए बिना चाबी के जी। और जो कुछ तू, यानी ये कलीसिया को चाबी दी गई है, किसी व्यक्ति को नहीं दी गई है, चाबी दी गई कलीसिया को। और कलीसिया से कहा, और जो तू, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, यानी ऑपरेटिंग हो रही है किंगडम की फ्रॉम अर्थ टू हेवन, है ना। लेकिन ये हिंदी में ऐसा लिखा है, इसको इंग्लिश में पढ़िए देखिए भी इसकी। आई विल गिव यू द कीज। देखिए की लिखा है कि कीज लिखा, प्लूरल है ना, एक चाबी नहीं है, हर लेवल पर एक चाबी है, हर प्रोग्रेसिवली का मतलब एवरी स्टेप यू हैव द की। अगर आप हर स्टेप पे की का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे जी। आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन एंड वॉट एवर यू बाइंड declared to be proper and lawful to be improper and unlawful on earth must be। हाँ देखिए हिंदी में और इंग्लिश में फर्क आ गया ना। What is already bound in heaven, देखिए जो कुछ पहले से स्वर्ग में बंद किया हुआ, मना किया हुआ, उसको तू पृथ्वी पर मना करेगा कि ये गलत है, अनलॉफुल है, ये सही नहीं है, ये मत करो। ये बोलना है क्योंकि लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे कलीसिया में। तुझे लोगों को ये बताना है दिस इज अनलॉफुल अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। हो सकता है संसार की आदि शिक्षा के अनुसार सही हो सकता है के तत्व ज्ञान आपको मिला हुआ है, तमाम फिलॉसफीज चल रही उसके अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं है, दैट इज अनलॉफुल इन द चर्च स्पेशली। ये बात ये कीज में है कि जो पहले से वहां पे मना किया गया है उसको लोगों को मना करना है। आगे पढ़ दीजिए सिस्टर। एंड वॉट एवर यू लूज डिक्लेयर लॉफुल ऑन अर्थ मस्ट बी, यानी अवश्य मस्ट बी व्हाट इज ऑलरेडी लूज्ड इन हेवन, जो स्वर्ग में पहले से अलाउ किया गया है उसको तुमको लोगों को अलाउ कराना है, और जो मना किया गया है उसको मना करना है। ये चाबी है। अब आपको मालूम है कलीसिया में डिसिप्लिन की चाबी यही है। कौन सी कलीसिया में ये चाबी काम कर रही है? कहीं नहीं, रेयरेस्ट टू रेयर।
ऐसी कलीसियाएं उनका आपको कहीं कोई वर्णन नहीं मिलेगा, वो प्रकाश में नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे होती है। ट्रुथ हमेशा छोटे लेवल पे रह गया, और ये जितना भी बड़ा बड़ा लेवल दिख रहा है ये सब फॉल्स है। अब आप देखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में ये बात खोल दी थी कि स्वर्ग का राज्य उस बीज के समान है, और वो राई के दाने का दृष्टांत दिया है। उसको बोलते हैं कि वो एक रहस्यमयी बीज है, और वो बोया गया और वो बढ़ के सब साग पात से बड़ा हो गया, और फिर उसके आगे लिखा है कि वो एक पेड़ बन गया और उस पे आकाश के पक्षियों ने घोंसला बना लिया। अब मालूम है आपको, ये मरकुस में दिया है, केवल मरकुस में है, आकाश के पक्षी, ऐसा कौन सा राई का पेड़ हमने आज तक नहीं देखा जो एक पेड़ हो और उसमें आकाश के पक्षी बसेरा किए हुए हो। आपने देखा? किसी ने नहीं देखा। ये फॉल्स ट्री है, और ये वाला दृष्टांत, ये जो झूठी मसीहत खड़ी होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स सिस्टम को। और आकाश के पक्षी हमेशा दिखाया जाता है, ये शिकारी गए होते हैं और ये बॉडी को नोचते हैं। कौन सी बॉडी को? डेड बॉडी को। अब यीशु मसीह की कलीसिया बिल्डिंग नहीं, बॉडी है, और अगर जीवित बॉडी होगी तो उस पे आकाश के पक्षी कभी नहीं अटैक करेंगे, आकाश के पक्षी डेड बॉडी पे अटैक करेंगे। तो इस तरीके के लोग आपको डेड बॉडी में मिलेंगे, जो बॉडी को नोच के खाते हैं। उसमें ये दृष्टांत में क्लियर है। खैर, आने वाले समय में आपको वो भी अच्छे से समझने को मिलेगा। दीज आर कॉल्ड द कीज ऑफ द किंगडम, द मिस्ट्री ऑफ फीट वॉशिंग, यानी एक रहस्य के पैर धोने वाला रहस्य, ये एक रहस्य है। फीट वॉशिंग इज अ मिस्ट्री, ठीक है। अब इस रहस्य को हम लोग चल के देखते हैं। द मिस्ट्री ऑफ फीट वॉशिंग, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हमारे शरीर का हर अंग, हर भाग एक आत्मिक सत्य को प्रदर्शित करता है, सिग्निफिकेंस है उसका। सबसे पहले नंबर वन, हेड, सर। सर क्या रिप्रेजेंट करता? हेड इज अ सिंबल ऑफ योर डेस्टिनी। आपका सर आपके उस डेस्टिनी को कहते हैं, उस स्थान को जो आपका, यानी जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, वो आपकी डेस्टिनी, लक्ष्य, आपके लक्ष्य को दिखाता है सर। हाँ, इसके लिए आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसका 17 पद, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 17। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ अप्रैम के सिर पर रखा है, तब जो बात उसको बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि अप्रेम के सिर पर से उठाकर मनुष्य के सिर पर रख दिया। कितना इंपॉर्टेंट था हाथ रखना सर पे। आजकल तो आम बात हो गई है, सब लोग सर पे हाथ रख रहे हैं। अरे, सर पे हाथ रखने की बहुत बड़ी मीनिंग है स्पिरिचुअली जी। अब इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और पढ़ते हैं, वो डेस्टिनेशन चेंज कर दी उसने। उसने बाप का हाथ उठाया, इस पे रख दिया, इसका मतलब ये नहीं, ये जाएगा वहां, ठीक। अब इसके बाद भजन संहिता 23 अध्याय का 5 पद, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर, ये अनॉइंटिंग को दिखाता है। अनॉइंटिंग कहां पे की जाती मालूम है? आपने पूरी बाइबल में जाके देखिए अनॉइंटिंग कहां हुई है। राजा बनाना हो, चाहे याजक बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, अनॉइंटिंग तेल से होती थी, और वो तेल कहां उंडेला जाता था? सर के ऊपर। दिस इज द ओपनिंग प्लेस जहां पे अनॉइंटिंग होती है। अब आपको एक बात बताइए, कलीसिया को अनॉइंटिंग कैसे मिलेगी? जब कलीसिया का सर कौन है? तो उसको तो अभिषेक दे दिया गया, और जब उसको अभिषेक मिल गया और हम उसका भाग हैं, यानी धड़ हैं, तो अनॉइंटिंग सर से बहकर नीचे आती है ना। तो कलीसिया यीशु मसीह से अलग कैसे हो गई कि उसको अलग अनॉइंटिंग चाहिए?
कलीसिया में जब आप मसीह की देह का हिस्सा बनेंगे तभी आपको अनॉइंटिंग मिलेगी। ये भाग ये भेद उसमें खुल गया। अनॉइंटिंग हमेशा हेड पे की जाती है। आवर हेड इज जीसस क्राइस्ट एंड ही इज ऑलरेडी अनॉइंटेड एंड इफ वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी वी आर ऑल्सो अनॉइंटेड। अंडरस्टूड है, हम उस अनॉइंटिंग के योग्य बने। ठीक, अब ये अनॉइंटिंग के लिए हेड का इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, तुम्हें मसीह का मन दिया गया, माइंड दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के, ये कि प्रभु का मन किसने जाना है के उसे सिखाए। परंतु पौलुस यहां पर कलीसिया से कह रहा है हम में, वो अपने आप को इन्वॉल्व करके कह रहा हम में मसीह का मन है। मन कहाँ होता है, माइंड कहाँ होता है, सर में ही होता है ना। तो हमारे हम अगर मसीह की देह में है तो हमारा माइंड कौन है, जीसस क्राइस्ट हिज हेड, ही इज द हेड एंड ही इज अवर माइंड। हेड का मतलब माइंड। तो आपके जीवन में आपके अंदर किसका मन काम करता है। कई बार कलीसिया में लोग कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा, हम आए नहीं, हमारा मन नहीं कर, हमने सुना नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा था, आपने ये चीज मन नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा। ये मन आपका, आपका मन कहां से हो गया। इफ यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आपका मन नहीं। आज्ञाकारी ये बनना है कि हमें अपने मन से नहीं, हम जिसके हैं उसके मन पे हमको रहना। ये यहां पर फिर एक चीज मिली, नंबर 2 पॉइंट, हैंड्स यानी हाथों का भी सिग्निफिकेंस है। हाथों का क्या सिग्निफिकेंस है, Hands are a symbol of productivity. हाथ जो है ये क्या कहते हैं, productivity को क्या बोलेंगे, उत्पादन को दिखाते हैं। हमारे हाथ से काम होता है जिससे उत्पादन होता है। ठीक है, productivity, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 12 पद पढ़िए, 28 अध्याय 12 पद, व्यवस्था यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को क्या देगा, उधार देगा और तुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा, परंतु किसी से, अरे हमने तो पहले ही बता दिया तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है बाइबल के अनुसार कर्जा जो है ये श्राप है और आज दुनिया में ये एक फैशन है, ये अच्छी चीज नहीं थी और आज के लोगों को ये अच्छी लगती है सुविधा के हिसाब से, लेकिन यह अच्छी चीज नहीं मानी जाती। फिर परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए यह अच्छी चीज नहीं है। और आशीष जब दी जाती थी तो आशीष यह दी जाती थी कि तू दूसरों को उधार देना लेकिन किसी से तुझे कर्जा लेना ना पड़े। कर्जा देना बुरी बात नहीं है लेकिन कर्जा लेना बुरी बात है, क्योंकि जब आप कर्जा किसी को देते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर वो व्यक्ति लौटा नहीं पाता तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहेंगे, तो आप मसीही होने के नाते नहीं कर सकते। इसलिए नए नियम में कहा गया है कि किसी को दे देना, अगर कोई चीज देने वाली है तो कर्जा मत देना, उसको हमेशा के लिए दे देना। इतना ही देना जो तुम्हारी क्षमता में हो, जिसे तुम वापस ना लो तो तुम्हारा काम चल जाए, इतना देना। तो देने के लिए लिखा है लेकिन कर्जा मत दो, लेकिन उसको दे दो जो उससे तुम्हें लेना ना पड़े। तो गिविंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई नए नियम में, ताकि कर्जे से लोगों को आजादी मिले। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, ये हाथ दिखाता, ये हाथों की आशीष है। योर हैंड्स शैल बी सफिशियंट फॉर यू, व्यवस्था विवरण 33 का 7। और यहूदा पर ये आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा, वो अपने लिए आप अपने हाथों से
लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। आप लड़ाई आप कर रहे हैं अपने हाथों से, लेकिन आपकी मदद एक अनसीन परमेश्वर कर रहा है, वो आपके हाथों को सफल कर रहा है। आपने सीखा ना ये कितनी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअली कैसे काम होता है, आप फिजिकली क्या कर रहे हैं उसका स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये हमेशा याद रखिए। हमारा फिजिकल मूवमेंट भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में ही होना चाहिए, इसलिए बहुत सी चीजें फिजिकली मना की जाती है, गलत है। नंबर तीन, फीट। फीट का मतलब, फुट का मतलब होता है सिंगल पैर, लेकिन फीट का मतलब, क्योंकि ये पैर में है तो ये दो हैं, इसलिए फीट। फीट यानी पैर आर अ सिंबल ऑफ डोमिनियन। ये हमारे पांव जो हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र को दिखाते हैं कि हमारा अधिकार कितना है। जितना आपका अधिकार है उतने अधिकार में आप अपना आराम से मूव कर सकते हैं। पांव से ही तो मूवमेंट होगी कि हाथ से होगी? जब आप पांव से मूवमेंट करते हैं तो जितना आपका अधिकार क्षेत्र होता है वही आपकी मूवमेंट है, ठीक है, डोमिनियन पावर है। When Adam lost his dominion, the serpent was instructed to bruise his heels. उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 पद, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, शैतान से बोल रहा है परमेश्वर, सर्प से बोल रहा है परमेश्वर, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, किसके किसके वंश, शैतान के वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा, ये कौन करेगा, परमेश्वर करेगा, बैर उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब यह कि शैतान के वंश के लोग परमेश्वर के वंश के लोगों के बीच में बैर रहेगा, और ये बैर आप और हम अपने प्यार मोहब्बत से अपने तरीकों से मिटा नहीं पाएंगे। ये दो जातियां हैं परमेश्वर की ओर से, और उस समय कोई जाति नहीं थी, ये मनुष्य जाति में दो भाग हैं और ये हर जाति में दोनों भाग मिलेंगे। जी कौन, शैतान के वंश के लोग, स्त्री के वंश के लोग शैतान के सिर को कुचलने वाले होंगे, और शैतान के वंश के लोग स्त्री के वंश के लोगों के पैरों में, एड़ी में डसेंगे, यानी पैर में डसेंगे। तो उनके पास, यानी जो शैतान के वंश के लोग हैं उनके पास पैर में डसने के लिए, वो यहां नहीं आ सकते, वो यहीं रहेंगे, ठीक पैरों के नीचे रहेंगे। गुड न्यूज ये है। दूसरी बात कि स्त्री के वंश के लोग अपने पैरों से उनको कुछ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, एकदम माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे वाले पॉइंट्स आपके फेवर में आने वाले हैं। ऑल थिंग्स आर सपोज्ड टू बी अंडर योर फीट, इसलिए सब कुछ तुम्हारे पैरों तले होना चाहिए। राज्य, जब आपका आपका राज्य है वो आपके पैरों के नीचे होना चाहिए। राज्य बहुत वैसी चीज नहीं कि सर के ऊपर रख लिया, पैरों के नीचे होना चाहिए, ठीक। इसके लिए पढ़िए भजन संहिता 8 अध्याय का 4 पद। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इसका 6 पद, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। किसको, मनुष्य को, परमेश्वर ने अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। जी तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। कौन मनुष्य कुछ कर पाया, प्रभुता मिलने के बाद किसने क्या कर लिया, अपने ही मन की इच्छाएं पूरी की, और जो कुछ उसको मन में लगा कि मुझे ये करना चाहिए वही तो किया, उसने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आते हैं, यू कैन मेक योर फीट ब्यूटीफुल, आप अपने पांव को खूबसूरत बना सकते हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 15 पद, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का, गुड न्यूज सुनाते हैं, अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। लोग मालूम है हमारे एशियन कल्चर में, एक बहुत आपको गुप्त बात बताएं लेकिन मानते सब हैं,
जब वो देख लेते हैं कि ये बंदा परमेश्वर का है, ये परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की इसके पास आशीष है, इसके पास वरदान है, मालूम है वो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मेरे घर में चरण डाल दो। ये बिब्लिकल है, ये मसीह ने हमको यही रास्ता दिखाया, यही दिस इज द वे। और इसीलिए उसने चेलों से कहा था, जब तुम किसी घर में प्रवेश करना, सेवकों से जो गुड न्यूज लेके जा रहे थे सुसमाचार, जब तुम किसी घर में प्रवेश करना उस क्षेत्र के सब लोगों में सुसमाचार सुनाना, लेकिन रुकना वहीं, रुकना वहीं। और जब उस घर में प्रवेश करना तो उस घर पे आशीष बोलना, और वो आशीष अगर वो घर के लोग योग्य होंगे तो आशीष ठहर जाएगी, और अगर उस घर के लोग योग्य नहीं होंगे तो वो आशीष तेरे पास वापस आ जाएगी। ये पैरों से जुड़ी हुई आशीर्वाद है। और उसने कहा था कि जिस नगर में लोग तुमको ग्रहण ना करें, सुसमाचार को ग्रहण ना करें, उस नगर से निकलते समय अपने पैरों की दूर झाड़ लेना, बाकी परमेश्वर देख लेगा। तुम्हारा पैर की धूल झाड़ना उसको इशारा मिल जाएगा कि ये लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया वचन, उसको मैं देख लूंगा, वो नगर नष्ट होगा। ये परमेश्वर ने तरीका बताया था। अब देखिए आप, हमारे पांव कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए यीशु मसीह ने आज एक बहुत जबरदस्त काम किया था, अनॉइंटिंग ऑफ द फीट, ये पैरों का अभिषेक किया था उसने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, सर का अभिषेक तो यीशु मसीह का हो गया, उसका अभिषेक हमें मिल ही रहा है, वो तो हमारा भाग है, लेकिन हमारे पांव को अनॉइंट कर रहा है कि जहां कहीं तू जाए परमेश्वर का राज्य वहां जाए, जिस घर में तू प्रवेश करे परमेश्वर का राज्य उस घर में प्रवेश करे। जी अब इसके बाद आते हैं, यू कैन डिप योर फीट इन ऑयल इन वेल्थ। ऑयल को वेल्थ से बताया गया है, यानी वेल्थ का मतलब होता है धन। आपका पांव, आपके पांव में अगर तेल उंडेला गया, इसका मतलब आपका पांव जो है वो धन में है। ठीक, ये इशारा, ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय का 24 पद। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वो अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डुबाए, यानी धनी रहे। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। ये आशीर्वाद दिया जा रहा पांव पे, कितनी बड़ी बात है। पुराने जमाने में पांव की कितनी वैल्यू हुआ करती थी, आज के लोगों को पांव की वैल्यू नहीं मालूम। जी अब ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस हैं। योर फीट आर पजेसिंग योर पजेशन, तुम्हारे पांव मालूम है उन चीजों पर अधिकार प्राप्त कर रहे हैं जो तुमको दिया गया है। ठीक है, ये पांव से ही अधिकार होता है। यहोशू की पुस्तक 1:3, chapter 1:3, जोशुआ है उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। आपको कितना चाहिए, कितना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना चाहिए। मालूम है जितना आप चल पाओ उतना आपको मिलेगा, लेकिन मुश्किल यह है कि हमारी चलने की लिमिट है, क्षमता है कम है, हाँ एक लिमिट है, और हमको लिमिट में ही मिलेगा, जितनी हमारी क्षमता होगी उतना ही हमको मिलेगा। ये पांव पे चलने पे बताया गया, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर फीट आर टू ब्रूस सेटन एंड ऑल डिमोनिक पावर्स, तुम्हारे पांव जो हैं वो शैतान उसको वहां पर तुम्हारे पांव के तले शैतान कुचला जाएगा, एंड और सारी दुष्ट की या शैतानी शक्तियों को तुम कुचल सकते हो ये पांव से। कैसे, मेरे साथ पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को किसके, आप कहेंगे यीशु मसीह ने तो शैतान को कुचल दिया, अब हमका कुछ नहीं कुचना ना, उसने अपने पैर से कुचला अपना शैतान अपने लिए। और कलीसिया में हर व्यक्ति को उसके पांव से शैतान को कुचलवाएगा। तो आपको मसीह की देह में काहे के लिए रखा गया है,
ताकि शैतान के सर को स्त्री की संतान बनोगे, तभी तो स्वर्ग के वारिश बनोगे। तो स्त्री की संतान जैसे यीशु मसीह था वैसे ही तुमको बनाया जा रहा है ताकि तुम शैतान के सर को कुचलो। यीशु मसीह कह रहा है कि शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को, यहां पे आप सांप और बिच्छू को ये डिमोनिक पावर्स समझिए, ये इसका सिग्निफिकेंस है। डिमोनिक पावर्स को, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, किसको? कलीसिया को। और कलीसिया को इस लायक बनना है कि वो शत्रु की सारी सामर्थ को कुचल सके, और वो हम और आप हैं। तो ये हमको ये काम दिया गया, हमारे पैरों को ये काम दिया गया है, ये हमारे पैर इसी के लिए है। द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ वॉशिंग फीट इज प्योरिफिकेशन। पांव धोना, यीशु मसीह ने जो अपने चेलों के पांव धोए थे, पांव धोना इस बात को दिखाता है, प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण को। और शुद्धिकरण तो हृदय का होना था और माइंड का होना था, पांव से इन दोनों का क्या संबंध है? बिल्कुल, बहुत गहरा संबंध है। परमेश्वर का वचन उस पॉइंट पे बात करता है जो एक्टिवेटेड है, जहां से काम होना है, और वो दिखा के और कुछ दिखाता है, कुछ बताता है। क्लीनिंग द माइंड स्पिरिचुअली मच एज वॉटर क्लीन्स द बॉडी नेचुरली। माइंड को वॉश करना, यहां पे वो यीशु मसीह चेलों के पांव धो रहा है और माइंड को वॉश करने के विषय में वो दिखा रहा है कि माइंड कैसे वॉश किया जाएगा। अब यहां पर पैर धोए जा रहे हैं एक ऐसे वॉटर से, ये इस बात को दिखा रहा है जैसे नेचुरली हमारे शरीर को पानी साफ करता है, वैसे ही यीशु मसीह हमारे माइंड को साफ करेगा अपने हाथों से, है ना। ये कलीसिया बनाने का यही रीजन था। फीट रिप्रेजेंट आवर लाइव्स ऑन द नेचुरल लेवल। ये पांव जो हैं, ये हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारे चाल चलन को दिखाते हैं स्पिरिचुअली, नेचुरली यानी स्वाभाविक तौर पर ही हमारे चाल चलन को दिखाया जाता है, हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये पांव से दिखाया जाएगा। परमेश्वर जब हमको पांव दिखा रहा है, इसका मतलब हमारे जीवन शैली पर उंगली उठा रहा है, जीवन जीने का तरीका हमारा, कैसे हम जीवन जी रहे हैं। द डे टू डे आउटवर्ड थॉट्स, जब दिन प्रतिदिन हमारे अंदर से जो विचारधाराएं निकलती हैं, आउटवर्ड थॉट्स एंड एक्शंस दैट एब्जॉर्ब सो मच ऑफ आवर टाइम, जो हमारे जीवन का ढेरों समय खा जाती हैं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं, हम उस पर मनन करते रह जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है, ये हमारे जीवन का अधिकतर समय इसी में चला जाता है। वॉशिंग द फीट, पांव धोना, देन सिंबलाइजेस प्योरिफाइंग द नेचुरल लेवल ऑफ आवर लाइव्स, हमारे स्वाभाविक जीवन का जो स्तर है उसको शुद्ध करना, ताकि अप्लाइंग व्हाट द लॉर्ड टीचेस अस, ताकि यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहा है वो हम अप्लाई करें अपने जीवन में, हम नेचुरल लेवल पे जीवन व्यतीत ना करें जैसे हम पहले जीवन व्यतीत करते थे। मसीह में हमको उस लेवल पे नहीं जीना है, फिजिकल लेवल पे हमारा लेवल ऐसा हो कि हम मसीह के लेवल पे जीवन जीने वाले हों। व्हाट द लॉर्ड टीचेस अस टू आवर आउटवर्ड ऑर्डिनरी एक्शन, हमारे साधारण एक्शनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से हमने क्या सीखा वो चीज हमारे जीवन से प्रकट हो, ये इस बात को पूरा दिखाता है। इसके लिए आप एक पद पढ़ दीजिए जहां पे ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका दूसरा पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में, हिंदी देन इन इंग्लिश। रोमियो 12:2, रोमन्स चैप्टर 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। क्या चीज नई होगी तो क्या चीज परिवर्तित होगी, बदलेगी? मन अंदर है हमारा सॉफ्टवेयर, जब ये सॉफ्टवेयर आपका चेंज हो जाएगा ना
तो आपके बॉडी के एक्शन, आपके पांव, आपके हाथ, ये सारे एक्शन सब बदल जाएंगे जी। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, ये भी क्यों लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन नहीं बदला तो इसका मतलब तुम्हारा मन नया नहीं हुआ, वो मॉडिफाई हुआ, रिन्यू नहीं हुआ। ऐसे ढेरों लोग मिलेंगे जिनका माइंड मॉडिफाइड हो गया लेकिन रिन्यू नहीं हुआ, और इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसी चीज रखी है कि अगर माइंड रिन्यू होगा तो आपका चाल चलन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। रिन्यू का मतलब नया हो जाएगा जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ, करते रहो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में अगले पल क्या होगी ये आपको अनुभव से पता चलेगा जब आपका माइंड रिन्यू हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया, और जो कोई आपके इस प्रेम को पहचानता है, उस अनुग्रह के अंतर्गत आता है, वो नया जीवन प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त करता है और नए जीवन की चाल शुरू कर देता है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमें शिक्षित करते हैं और हमें उत्साहित करते हैं, हमें वार्न करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें लीड करते हैं, ताकि उसकी मर्जी हम सबके जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसा उसके वचन में वर्णन किया गया है, और उसकी उसका रिजल्ट भी वैसा ही हो जैसा वचन में दिया गया है, ताकि हम सबका जीवन उस महान परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो, ताकि हम परमेश्वर की संतान भी घोषित हों और साबित हों, और उसकी महिमा हम सबके जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए। सारी महिमा उसी को मिले क्योंकि सब कुछ का करने वाला वो है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।